Hello guys, this is Neeraj Kumar Garg from GPC Bundi, lecturer electronics. Or in this lecture we will discuss about communication frequencies and radar frequencies. Communication frequencies mein kis frequency range ko kis naam se jana jata hai aur uske applications kya kya hoti hain. To guys, ye jo frequency ranges hain communication as well as radar frequency ranges, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है. इनकी एप्लीकेशंस की लाइक ब्लूटूथ है, किस फ्रीक्वेंसी रेंज में आता है, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ये काफ़ी यूजफुल होगी. तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसीज. तो गाइस, कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसीज में हमने कुछ रेंजेस डिसाइड की है. ये स्टैंडर्ड रेंज है, अप टू 300 हर्ट्स तक जो फ्रीक्वेंसीज होती है इनको एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसीज बोला जाता है, जिनका कोई स्पेशल यूज़ नहीं होता है, जिनका कोई ज़्यादा यूज नहीं होता है. और वी कैन से इनको कुछ स्पेशल कम्युनिकेशन केसेस में ही इनको यूज किया जा सकता है, जैसे कि इनिशियली है. एंड इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 300 हर्ट्स से 3 किलो हर्ट्स, जिसको वॉइस फ्रीक्वेंसी रेंज बोला जाता है. वॉइस फ्रीक्वेंसी रेंज में एक मेल और फीमेल की जो वॉइस फ्रीक्वेंसीज आती है वो होती हैं. इसमें मेल की फ्रीक्वेंसी वॉइस फ्रीक्वेंसी होती है 85 हर्ट्स से 180 हर्ट्स, एंड फीमेल के लिए जो वॉइस फ्रीक्वेंसी होती है 165 हर्ट्स से 255 हर्ट्स तक जो वॉइस फ्रीक्वेंसीज रेंज होती हैं. थर्ड वन आती है अपनी 3 किलो हर्ट्स से 30 किलो हर्ट्स तक, जिसे वेरी लो फ्रीक्वेंसी रेंज बोला जाता है. तो इस वेरी लो फ्रीक्वेंसी रेंज का एक्सपेरिमेंटली यूज ज़्यादा होता है, जैसे लोकेशन पोजिशनिंग के लिए और सिक्योर बेस्ड कम्युनिकेशंस के लिए इसका यूज किया जा सकता है. तो गाइज, वेरी लो फ्रीक्वेंसी रेंज तक का जो यूज है वो काफ़ी कम है, लेकिन इसके बाद जो लो फ्रीक्वेंसी रेंज आती है जिसमें 30 किलो हर्ट्ज़ से 300 किलो हर्ट्ज़ तक हम का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है जिसको लो फ्रीक्वेंसी रेंज बोला जाता है, इसको नेविगेशन में भी काम में लिया जाता है. एयर नेविगेशन सिस्टम्स में, वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम्स में इसको लो फ्रीक्वेंसी रेंज को काम में लिया जाता है. इसके बाद जो नेक्स्ट आती है मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज, जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है 300 किलो हर्ट्ज़ से 3 मेगा हर्ट्ज़ तक. तो इस मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज को एम ब्रॉडकास्टिंग में भी काम में लिया जा सकता है, जिसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी बोला जाता है, या फिर मरीन कम्युनिकेशंस में भी इसका यूज लिया जाता है. तो दोस्तों, जो एम ब्रॉडकास्टिंग होता है तो उसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 550 किलो हर्ट्ज़ से 1650 किलो हर्ट्ज़ तक. ये फ्रीक्वेंसी होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, जिसे मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज में जो मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज के अंतर्गत आती है. इसके बाद आती है हाई फ्रीक्वेंसी, जिसकी होती है 3 मेगाहर्ट्ज़ से 30 मेगाहर्ट्ज़, या फिर अपन कह सकते हैं 3000 किलोहर्ट्ज़ से 30000 किलोहर्ट्ज़ तक. तो इसका जो शिप कम्युनिकेशन होता है या शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्टिंग्स में इसका यूज किया जा सकता है. इसके बाद आती है गाइस वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, जिसमें 30 मेगाहर्ट्ज़ से 300 मेगाहर्ट्ज़ तक यूज में लिया जाता है. और जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज है इसमें हम देखते हैं हमारा जो मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन है, या फ्रीक्वेंसी जो मॉड्यूलेशन है. गाइस, हम देखते हैं जो हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, जो हम एफएम चलाते हैं मोबाइल्स में, तो उसमें जो रेंज होती है वो होती है 88 मेगाहर्ट्ज़ से 108 मेगाहर्ट्ज़ तक, जो इस वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के अंतर्गत आती है. तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एफएम एएम. ओके, तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी नेविगेशन के लिए भी इसको यूज में लिया जाता है. इसके बाद आती है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी. तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है वो होती है 300 मेगाहर्ट्ज़ से 3 गीगाहर्ट्ज़ तक. तो गाइस, गीगाहर्ट्ज़ जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है इनको हम रडार फ्रीक्वेंसीज भी बोला जाता है. तो जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी है इनका लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशंस में इनका यूज किया जाता है, या रडार एप्लीकेशंस में इनका यूज किया जा सकता है. इसके ऊपर जो 3 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर जो फ्रीक्वेंसीज होती है ये सब इनको रडार फ्रीक्वेंसीज भी बोला जा सकता है, या फिर अपन इनको बोलते हैं एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसीज, जिनको ट्रैकिंग एप्लीकेशंस में, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस में भी काम में ले सकते हैं. गाइज, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है तो मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज, जिसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आता है, एक वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज जिसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आता है. तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो जिस फ्रीक्वेंसीज पर ये काम करते हैं ATC, तो वो भी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के अंतर्गत ही आता है. या फाइन ट्यूनिंग्स होती है, पुलिस रेडियो होता है, कॉर्डलेस टेलीफोन होते हैं, ये सब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के अंतर्गत आते हैं. एक अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी रेंज में लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन तो मैंने बताया ही था, इसके अलावा माइक्रोवेव ओवंस होते हैं, रेडियो एस्ट्रोनॉमी होती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस होते हैं, ये सब भी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज में ही काम आते हैं.
तो गाइस ये था कम्युनिकेशन फ्रिक्वेंसीज के बारे में, जिनको हम रेडियो फ्रिक्वेंसीज भी बोला जाता है। इनकी वेवलेंथ भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वेवलेंथ इट मीन्स तरंग दैर्ध्य जिसको बोला जाता है। तो तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है गाइज, लेमडा बराबर सी वाई एफ। सी होती है जहाँ पर लाइट वेलोसिटी या प्रकाश का वेग, और एफ होती है फ्रिक्वेंसी जो हमको गिवन होती है, जिसके जिस फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमको वेवलेंथ निकालना होता है। तो हमारी जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो होती है 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड अपॉन एफ फ्रिक्वेंसी जिसको हम हर्ट्स में रखते हैं। तो इसके अनुसार जो अपनी तरंग दैर्ध्य आती है या वेवलेंथ आती है वो लगभग माइक्रोमीटर्स में वो आती है अपनी। तो इसके बाद हम गाइस देखेंगे रडार फ्रिक्वेंसीज। तो रडार फ्रिक्वेंसीज वो होती है जो अपने बेसिकली डिफेंस में काम आती है अपने। तो हम देखते हैं रडार फ्रिक्वेंसीज के बारे में। तो गाइस यहाँ कुछ रडार फ्रिक्वेंसीज लिखी हुई है जहाँ पर इनको बैंड से रिप्रेजेंट किया जाता है, कि 1 GHz से 2 GHz की जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है उसको एल बैंड बोला जाता है, 2 से 4 GHz की जो रेंज होती है उसको एस बैंड बोला जाता है, 4 से 8 GHz की जो रेंज होती है उसको सी बैंड बोला जाता है, 8 से 12 GHz होती है उसको एक्स बैंड बोला जाता है, इसी तरह कू बैंड, के बैंड, का बैंड, बी बैंड, और इसके बाद आता है मिलीमीटर्स बैंड। तो गाइज हम सबसे पहले देखते हैं एल बैंड, 1 GHz से 2 GHz तक। तो इसकी जो एप्लीकेशंस होती है, हम यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस लिख देते हैं। इसकी जो एप्लीकेशंस होती हैं, तो एल बैंड की एप्लीकेशंस होती है गाइज, जिसको हम GPS में भी काम में लेते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसको बोला जाता है, या फिर हम इसको टेली कम्युनिकेशन में भी काम में लेते हैं, टेली कम्युनिकेशन में, या फिर एयरक्राफ्ट में भी इसको काम में लिया जाता है। और हम कह सकते हैं कि हम इसका जो बेसिक यूज है कि GPS, टेली कम्युनिकेशन, एयरक्राफ्ट, या फिर इसको GSM जो हम मोबाइल्स यूज करते हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी भी 1.8 GHz या फिर हम कह सकते हैं 1.9 GHz होती हैं। तो ये सभी एल बैंड की एप्लीकेशंस होती हैं। अगर हम बात करते हैं अब एस बैंड के लिए, तो एस बैंड की फ्रिक्वेंसी रेंज होती है 2 GHz से 4 GHz। तो गाइज जो अपना एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है ये एस बैंड में काम करता है, जिसको ATC भी बोले देते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। जो वेदर रडार होते हैं, मौसम की जो जानकारी देते हैं, वेदर जो रडार्स होते हैं, ये सब भी अपने एस बैंड में ही काम में आते हैं। इसके बाद आते हैं शिप रडार्स भी अपने एस बैंड में ही काम आते हैं गाइस। ओके, तो हम नेक्स्ट चलते हैं सी बैंड के लिए। तो सी बैंड में आते हैं 4 से 8 GHz जिसकी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, और बेसिकली इसका जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। तो गाइस सैटेलाइट कम्युनिकेशन में दो प्रकार की फ्रिक्वेंसी होती है, एक फ्रिक्वेंसी होती है जिसको अपलिंक फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, और एक फ्रिक्वेंसी होती है जिसको डाउन लिंक फ्रिक्वेंसी बोला जाता है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जो अपलिंक फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 5.9 GHz से 6.4 GHz, और जो डाउन लिंक फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 3.7 GHz से 4.29 GHz तक। तो गाई इसमें अपनी जो अपलिंक फ्रिक्वेंसी होती है वो डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होती है। तो ये जो सी बैंड की एप्लीकेशन है बेसिकली सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है गाई एक्स बैंड। एक्स बैंड की फ्रिक्वेंसी रेंज होती है 8 GHz से 12 GHz। तो इसमें जो पुलिस के द्वारा जो रडार्स यूज किए जाते हैं वो व्हीकल स्पीड डिटेक्शन के लिए जो रडार्स यूज किए जाते हैं वो इस फ्रिक्वेंसी रेंज में काम करते हैं, व्हीकल स्पीड डिटेक्शन के लिए। या फिर अपन बोल सकते हैं कुछ डिफेंस एप्लीकेशंस में भी इसका यूज किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं गाइस कू बैंड की। तो कू बैंड में जो बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज आता है वो आता है, जैसा कि हमारे घरों में, सभी के घरों में डिस्क लगी होती है, उसको बोलते हैं हम DTH, या अपन बोलते हैं DTH होता है डायरेक्ट टू होम जो सर्विसेज होती हैं, हम इसको जो ये जिस फ्रिक्वेंसी रेंज पे काम करती है ये 12 से 14 GHz की रेंज में ये काम करती है डायरेक्ट होम सर्विसेज। तो ये किस बैंड में आती है अपनी, कू बैंड में आती है अपनी, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज। ये नासा के द्वारा भी स्पेस कम्युनिकेशंस में इसका कू बैंड का यूज किया जाता है, नासा के द्वारा स्पेस कम्युनिकेशंस में भी इसका यूज किया जाता है। गाइस अब आता है के बैंड।
तो जो केवेंट की जो एप्लीकेशंस होती है वो ऑटोमेटिक डोर ओपनर्स में या फिर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम्स में भी इसका अपन यूज कर सकते हैं। अपन लिख सकते हैं इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम्स में भी इसका यूज किया जा सकता है। अब आता है अपने का बैंड आता है, तो का बैंड का जो बेसिकली यूज होता है वो रडार ट्रैकिंग्स में इसका यूज किया जाता है, रडार ट्रैकिंग एप्लीकेशंस, रडार ट्रैकिंग एप्लीकेशंस में भी इसका यूज किया जा सकता है। इसके बाद अपने जो बी बैंड आता है या फिर इसके बाद जो मिलीमीटर बैंड्स आते हैं, तो गाइस के बैंड की जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो होती है अपने 27 GHz से 45 GHz। तो अबव जो 45 GHz के बाद जो फ्रिक्वेंसी बैंड्स आते हैं इन सबको अपन बोल सकते हैं मिलीमीटर बैंड्स। तो जो मिलीमीटर बैंड्स की जो एप्लीकेशंस होती है वो मिलिट्री एप्लीकेशंस में इनका ज़्यादातर यूज लिया जाता है, मिलिट्री एप्लीकेशंस में इनको ज़्यादातर यूज किया जा सकता है, या फिर अपन बोल सकते हैं वैज्ञानिक वैज्ञानिक रिसर्च, वैज्ञानिक रिसर्च के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है मिलीमीटर बैंड्स का। तो गाइज हमने देखा ये हैं जो रडार फ्रिक्वेंसी बैंड्स होते हैं जिनको बोला जाता है एल बैंड, एस बैंड, सी बैंड, एक्स, क्यू, के, का, वी और मिलीमीटर बैंड से जिनको बोला जाता है। गाइज इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी हमें मालूम भी होनी चाहिए और हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो किस बैंड के अंतर्गत आते हैं। तो जैसा कि हम बात करते हैं सबसे पहले GSM, तो GSM की हमने बात की, GSM एल बैंड के अंतर्गत आता है जिसकी फ्रिक्वेंसी रेंज 1.8 या 1.9 GHz होती है, 1.8 या 1.9 GHz होती है। इसके बाद हम बात करते हैं CDMA, जिसको WCDMA भी बोला जाता है 3G के लिए। तो ये WCDMA 3G के लिए इसकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है 2.1 GHz। तो ये किस बैंड के अंतर्गत आता है, ये एस बैंड के अंतर्गत आता है, ये एल बैंड के अंतर्गत आता है, ये एस बैंड के अंतर्गत आता है। तो एक हम यूज करते हैं अपना वाईफाई सिस्टम। तो गाइस वाईफाई जो होता है वो 2.4 GHz पर काम करता है और ये किस बैंड के अंतर्गत आता है, ये एस बैंड के अंतर्गत आता है 2.4 GHz। इसी प्रकार गाइस हमारा ब्लूटूथ होता है, हमारा जो ब्लूटूथ सिस्टम होता है, तो जो ब्लूटूथ सिस्टम होता है वो होता है 2.45 GHz और ये भी एस बैंड के अंतर्गत आता है। तो हमने देखा GSM, CDMA, वाईफाई, ब्लूटूथ। इसी प्रकार एक होता है हॉटस्पॉट, एक होता है अपना हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट भी गाइज ये दो फ्रिक्वेंसी रेंज में काम करता है, एक तो 2.4 GHz होती है, एक होती है 5 GHz। तो 2.4 मैक्सिमम इसका जो यूज होता है वो 2.4 GHz पर होता है जो एस बैंड के अंतर्गत आती है। इसमें डिफरेंस क्या है 2.4 GHz से 5 GHz, 5 GHz में फास्टर डेटा रेट अपन मान सकते हैं और 2.4 GHz में इसके कंपेरिजन में लोअर डेटा रेट आती है। तो हम गाइज बोल सकते हैं वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, CDMA ये सब एस बैंड के अंतर्गत काम करते हैं। तो अभी हमने देखा इसमें कम्युनिकेशन फ्रिक्वेंसीज एंड रडार फ्रिक्वेंसीज। तो गाइज ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इवन कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार इनके एप्लीकेशंस पूछ लिए जाते हैं। तो गाइज आप लोगों को ये आप लोग इनको याद रखिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड